नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। ये बबली है, बिहार की रहने वाली। कभी ये कांस्टेबल हुआ करती थी, लेकिन अब इनका ओहदा बढ़ गया है। इनकी मेहनत रंग लाई है, इनके सपने साकार हो गए हैं। ये अब कांस्टेबल नहीं रही, ये डीएसपी बनने जा रही हैं। बिहार पुलिस की महिला सिपाही बबली कुमारी की कहानी हर आदमी के लिए प्रेरणा और उम्मीद देने वाली है। बबली ने न केवल नौकरी करते हुए बल्कि एक पत्नी और माँ की जिम्मेदारी संभालते हुए जो मिसाल पेश की है, उसके लिए इनकी तारीफ में शब्द कम पड़ते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाते हुए उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा पास की। मूल रूप से बिहार के गया जिले की रहने वाली बबली कुमारी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष किया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता के 5 संतानों में सबसे बड़ी होने के कारण उन्हें एक अदद नौकरी जल्द से जल्द चाहिए थी। यही वजह है कि उन्होंने सपने ऊंचे देखने के बावजूद 2015 में सिपाही की नौकरी शुरू की। बिहार पुलिस में सिपाही बनने के बाद उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाना शुरू किया, लेकिन अपने सपने को मरने के लिए नहीं छोड़ा। बबली कुमारी की नौकरी लगने के साथ ही उनकी शादी भी हो गई। इस बीच उन्हें एक बच्ची भी हुई जो अभी गोद में खेलने की उम्र में ही है। इन सब के बीच बबली ने बीपीएससी परीक्षा पास करने के लिए अपनी तैयारी जारी रखी और तीसरे प्रयास में उन्होंने कामयाबी को हासिल कर लिया। वो बताती है कि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें अपने परिवार और पति का पूरा सहयोग मिला। देखने से थोड़ा मन में जोश आया, आसपास के लोग करने लगे तो लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। जिस समय ये बच्चे के जन्म हुए होंगे या जिस स्थिति से आप गुजर रही होंगे और उस समय ये आप तैयारी भी कर रही थी, तो क्या लग रहा था? उस समय परिवार का सपोर्ट था? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से लेकर आज तक मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा है मेरे साथ। आपके पति का क्या सहयोग रहा? पति का सहयोग यही रहा कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ तुम अब अपना यहाँ तक जो आई हो कर रही हो सीमित कर दो, कभी भी नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। जो आपने साबित कर दिखाया कि एक सिपाही से आप डीएसपी पद तक गई हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले गार्जियन को कहना चाहूंगी कि जो भी अगर बेटी बहू कोई भी है, अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो बिल्कुल उनको पढ़ाइए। और मैं उन लड़कियों से भी या लड़के से भी कहना चाहूंगी कि जो माता पिता अगर समय निकालकर गार्जियन पैसे खर्च करके आपको दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, आप उसका सदुपयोग कीजिए और उनको अच्छा रिजल्ट दीजिए ला करके, मैं दोनों से कहूंगी। महिला सिपाही के तौर पर ड्यूटी करते हुए बबली ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तो पहले भी 2 बार पास कर ली, लेकिन मेंस परीक्षा में मामला फंस रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि इसके लिए थोड़ा और वक्त निकालना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर पटना में बीपीएससी की तैयारी शुरू की, जिसके बाद बबली के सपने को पूरा होते देर नहीं लगी। बबली का कहना है कि अगर आपकी बहू बेटी आगे पढ़ना और बढ़ना चाहती है तो उसका सहयोग करें। बेटे बेटी को भी चाहिए कि वो अपने परिवार के सपने को पूरा करें। उनका कहना है कि अगर मैं अपनी मेहनत से कामयाब हो सकती हूं तो हर आदमी को इसी तरह की कामयाबी मिल सकती है। बबली के इस वाक्यांश पर आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।